हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बीटरूट कबाब और मेयो सैंडविच, जिसमें मैं फन फूड्स बाय डॉक्टर ओटकर का वेज बर्गर मेयोनेज और आईटीसी मास्टर शेफ का अचारी बीटरूट कबाब का इस्तेमाल करूँगी। जानती हूँ लॉकडाउन और फेस्टिवल के कारण आप अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि अपना ख्याल ही रखना भूल गए हैं, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बनेगी जल्दी भी, टेस्टी भी, और आप किचन में कम और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए इस रेसिपी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं 2 टेबलस्पून गाजर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, 1/4 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी भी डाल देते हैं, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे, 1 चम्मच कसा हुआ लहसुन और सभी मसाले डाल देते हैं। तो 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं फन फूड्स बाय डॉक्टर ओटकर का वेज बर्गर मेयोनेज। हम 4 से 5 टेबलस्पून वेज बर्गर मेयोनेज डाल देते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, जिससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है और ये इतना क्रीमी है कि बच्चों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा वेजीज एंड मेयो मिक्सचर रेडी हो गया है और चलिए अब हम आईटीसी मास्टर शेफ अचारी बीटरूट कबाब को भी सेक लेते हैं। आईटीसी मास्टर शेफ अचारी बीटरूट कबाब सेकने के लिए हम पैन में डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल। हम यहाँ पे कबाब को शैलो फ्राई करेंगे और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है और अब इसमें हम एक एक करके डालते हैं कबाब। और इसे हम नीचे की तरफ से सिकने देते हैं। तो ये कबाब सिक गए हैं और अब इन्हें हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सभी अचारी बीटरूट कबाब सिक चुके हैं और इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और चलिए अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए हम एक ब्रेड स्लाइस लेते हैं और अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं वेजीज एंड मेयो का मिक्सचर। और अब इसके बीच में हम रखते हैं आईटीसी मास्टर शेफ अचारी बीटरूट कबाब। और अब हम ऊपर की तरफ से लगाते हैं दूसरी ब्रेड स्लाइस, स्लाइटली प्रेस कर देंगे। और अब हम ऊपर की तरफ से बटर लगा देते हैं और चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने लिया है पैन और पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है और जिस साइड मैंने बटर लगाया है उसको हम पैन की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ से भी हम बटर लगा देते हैं। तो नीचे की तरफ से सिकते हुए 2 मिनट हो गया है और अब इसे हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए सेक लेंगे। तो नीचे की तरफ से भी सिकते हुए 2 मिनट हो गया है और अब हम सैंडविच को पैन से बाहर निकालेंगे और अब इसे हम रखते हैं प्लेट में। ये देखिए, बहुत ही यमी और टेस्टी बीटरूट कबाब और मेयो सैंडविच रेडी हो गया है और आईटीसी मास्टर शेफ ऑफ फन फूड्स बाय डॉक्टर ओटकर एक बढ़िया सा गिव अवे लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और डिटेल्स मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिया है और जीतिए बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।